रामलला जब अपने मंदिर में स्थापित हो चुके हैं या यूं कह लो कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने महल रूपी मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, इस खास पल के गवाह बनने तमाम खास मेहमान पहुंचे थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साधु संत पहुंचे थे। बॉलीवुड से लेकर साउथ मूवी तक के तमाम सुपरस्टार, खेल जगत के चुनिंदा हस्तियों में से देश के बड़े बिजनेस टाइकून्स पहुंचे थे। लेकिन इन सब के बीच एक मौलाना भी नजर आए तो सभी की निगाहें मौलाना की तरफ उठी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ये कौन है, हर कोई ये जानना चाहता था। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ये मौलाना कौन है, इनका राम से कैसा नाता है और इन्हें किसके द्वारा निमंत्रण भेजा गया था। आपको बता दें कि ये मौलाना ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी हैं, जिन्होंने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण स्वीकार किया था और अमन का पैगाम लेकर अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उमेर अहमद इलियासी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये बदलते भारत की तस्वीर है। देखिए, ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ, जहाँ तक पहुँचे। मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफरतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गईं, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत को का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। वैसे तो मौलाना उमेर अहमद इलियासी राजघाट में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलनों में लगातार पहुंचते हैं और इनकी बात की जाए तो ये एक बहुत ही प्रखर वक्ता है, जो कुरान के साथ साथ गीता और बाइबल से भी उदाहरण देकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उमर अहमद इलियासी की एक और अलग पहचान है। आपको बता दें कि 22 सितंबर 2022 को जब संघ प्रमुख मोहन भागवत सेंट्रल दिल्ली स्थित ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी से मिलने पहुंचे तो ये खबर मीडिया में सुर्खियां बन गई थी। मीटिंग के बाद उमेर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था तो देश भर में बवाल मच गया था। मेरे साथ बस इतना ही, देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।